बॉलीवुड के सुपरस्टार अभिनेता की दो फिल्में, एक है द टाइगर जिंदा, दूसरी है रेस 3। इन दोनों ही फिल्मों की शूटिंग अबू धाबी में की गई थी। अबू धाबी में इन दोनों फिल्मों की शूटिंग बेहतरीन लोकेशन पर की गई थी, जहां पर कुछ खतरनाक स्टंट भी शूट किए गए थे। आपको बताने चले, इन दोनों फिल्मों को लोगों ने काफी ज्यादा पसंद किया था, साथ ही इन दोनों फिल्मों के स्टंट को भी लोगों ने काफी ज्यादा सराहा। और अब इसी कड़ी में सलमान खान अपनी आने वाली तीसरी फिल्म यानी भारत की भी शूटिंग अबू धाबी में करने जा रहे हैं। आपको बताते चले, फिल्म भारत के निर्माता भूषण कुमार ने अभी हाल ही में बताया कि सलमान खान और भारत की टीम 27 से 28 सितंबर के बीच रवाना हो जाएगी अबू धाबी के लिए, जहां पर फिल्म की शूटिंग 15 दिन तक की जाएगी। इन 15 दिनों के भीतर फिल्म भारत के कुछ अहम सीन की शूटिंग की जाएगी। आपको बताते चले, फिल्म भारत में सलमान खान के अपोजिट कटरीना कैफ, दिशा पांडे, तब्बू, सुनील ग्रोवर और नोरा फतेही जैसी बेहतरीन कलाकार नजर आने वाली है। साथ ही इस फिल्म का निर्देशन कर रहे हैं अली अब्बास जफर, और अब इस फिल्म को अगले साल 2019 के ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है।